Hello my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today I should be Giroti, your science teacher. Welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know, that we are discussing about chapter 10, reaching the age of adolescence. And now we will discuss the seventh topic of this chapter that is hormones other than sex hormones. In our previous video, we had discussed about the sex hormones and now we will discuss the other hormones. Let's start the topic. Look at figure 10.3 again. यू हैव टू लुक दैट पिक्चर लुक दैट फिगर हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए इसमें क्या है टेस्टोस्टिर और इस्ट्रोजन को रिलीज करने वाले जो ग्लैंड्स होती हैं टेस्टिस और ओवरीज उनको कौन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टिमुलेशन के बाद ये ग्लैंड टेस्ट और ओवरीज हार्मोन्स रिलीज करती हैं ये हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करने के बाद ये अपने टारगेट साइड तक टारगेट ऑगन तक पहुँचते हैं और उसके बाद स्टिम्युलेट ये इनका जो हार्मोन्स इन, का जो वर्क है ये वो करते हैं द हारमोन्स सिक्रिएटेड बाय पिट्यूट्री स्टिम्यूलेट टेस्टिज एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस द हार्मोन्स ठीक पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पिट्यूट्री ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो स्टीमुलेट करते हैं टेस्ट और ओवरीज को उनके हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए यू हैव ऑलरेडी लर्न डैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इट इज अटैच टू द ब्रेन आपने ऑलरेडी लर्न किया है पिट्यूट्री ग्लैंड क्या है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और पिट्यूट्री ग्लैंड हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड है ठीक है ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड पे अपना कंट्रोल रखती है एंड इट इज अटैच टू द ब्रेन ये कहाँ पे अटैच होगी देखिए ब्रेन पे ये आपको सारे ग्लैंड का फिगर गिवेन है इसमें सी इट इज द ब्रेन है ना एंड इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड अपार्ट फ्राम पिट्यूटरी अदर देन

इनासीफ और बुजो बूजो सिंह बुजो एंड पहेली वंस विजिटेड आंट हु डॉक्टर एंड रिमेंबर दैट द बॉय नेम्ड काका हैड अ वेरी बिग एंड बल्जिंग थ्रोट पहेली एंड बुजो एक बार अपनी आंटी के आंटी के घर गए विजिट किया उन्होंने आंटी के यहाँ जो कि एक डॉक्टर हैं और उन्हें रिमेम्बर था कि एक बॉय जिसका नेम काका है उसका जो थ्रोड था वो बहुत बड़ा था और बल्जिंग आउट हो रहा था

काकास थाइराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन थाइरायड ग्लैंड के हार्मोन को हम कहते हैं थायरोक्सिन ठीक आपको पता है ना टेस्टिस से टेस्ट्रोसिरोन रिलीज होता है और ओवी से इस्ट्रोजन थाइरायड ग्लैंड से जो सिक्रीशन होगा जो हार्मोन सिक्रीट होगा वो होगा थायरोक्सिन ठीक है तो जो थाइरायड ग्लैंड थी काका की वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज प्रोड्यूस नहीं करती थी दैट इज वाई ही इज सफरिंग फ्रॉम गॉइटर देर also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities unki hmm. उनकी आंटी ने उन्हें बताया कि उनके जो अंकल wo वो किससे suffer उनको कौन सी disease थी उनको डायबिटीज था क्योंकि उनका जो pancreas था उनके अंकल का वो इंसुलिन नेम हार्मोन रिलीज प्रोड्यूस नहीं करता था सफिशियंट क्वांटिटी में जितना उसको प्रोड्यूस करना चाहिए ठीक कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा जो ऑर्गन है देखिए पेनक्रियाज ऑर्गन है पेनकियास ग्लैंड भी है पेनक्रिया ग्लैंड इंसुलिन नेम्ड हॉमोन रिलीज करता है वो हार्मोन एक सफिशिएंट अमाउंट में अगर रिलीज नहीं होता है तो पेशेंट को डायबिटीज हो जाता है बूजो एंड पहली देन आस देर आंट अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड विच आर शोन इन द चार्ट हंग ऑन वॉल ऑफ हर क्लिनिक पूजो और पहेली निक को दो ग्लैंड के बारे में तो पता चल गया है ना अब उन्होंने जो एक और क्लाइंट उनको एडर्नल ग्लैंड उसमें शो हो रहा है उसकी फिगर में चार्ट जो वहां पे हैंग हो रहा है उनके क्लिनिक में उसके बारे में पूछा द टोल्ड डेम दैट एडरल ग्लैंड गीट हॉमोन विच मेंटेन करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड उनकी आंटी ने उन्हें बताया कि एडर्नल ग्लैंड एक एडर्नील हॉमोन रिलीज करते हैं जो किसको मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी के ब्लड में हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है तो उसमें करेक्ट सॉल्ट को बैलेंस करते हैं एड्रेनल आल्सो प्रोड्यूस अ हार्मोन एड्रेनिन एड्रेनिन हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं एड्रेनल ग्लैंड और ये क्या हेल्प करता है ये इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज एंग्री एम्बेरस्ड और वरीड जो हमारा स्ट्रेस हॉर्मोन होता है वो क्या होता है एड्रेनिन होता है ठीक है ये हमारी बॉडी को जब हमें कभी गुस्सा आता है या कभी हम एम्बारस फील कर रहे हैं या हमें कभी वरी होता है तो हमारी बॉडी एक अजीब सा वर्क करने लगती है ना तो वो किसकी वजह से करे और थोड़ी देर बाद हमें स्ट्रेस फ्री जब हो जाते हैं तो हमारी बॉडी जो नॉर्मल वर्क करने करती है ना वैसी ही करने लगती है बिकॉज ऑफ एडनिन इन हॉर्मोन थायरोड एंड एडनल सिक्री एडिनल सिक्री दे हॉर्मोन वेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन सारे जो ग्लैंड हैं वो किस पे डिपेंड होंगी सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स पे डिपेंड करेंगी ठीक पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी मास्टर ग्लैंड जो है वो ऑर्डर देगी तभी जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो अपना वर्क करेगी पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करती है जो कि किसी भी पर्सन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नेसेसरी होता है